नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डायरेक्टर जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस प्रताप नगर सांगानेर। आज जब कोरोना महामारी सब जगह फैली हुई है और हम डॉक्टर के पास सलाह लेना जाना चाहते हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में मैं बात करूंगा। जब आप डॉक्टर के पास दिखाना चाहें तो पहली बात तो ये है, आप ये तय कर लें कि क्या आपकी ये विजिट बेहद जरूरी है। अगर बेहद जरूरी हो तो ही आप डॉक्टर के पास दिखाना जाएं। अगर आप बच्चे की छोटी मोटी समस्या जैसे कि उसकी डाइट से संबंधित सलाह या बच्चे की ग्रोथ से संबंधित सलाह के लिए जाना चाहते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी आप इस विजिट को पोस्टपोन करें। अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहते हैं तो हाँ, ये जरूरी है और बच्चे का वैक्सीनेशन अपने तय समय पर ही आप लगवाएं, पूरा करें, क्योंकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि सभी प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अपने तय समय पर होना चाहिए। जब भी वैक्सीनेशन के लिए आप जाएं तो अपॉइंटमेंट लेके ही जाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन वाले बच्चे हेल्दी बच्चे होते हैं और इनका संपर्क बीमारी वाले बच्चों से नहीं होना चाहिए, इसलिए बिना अपॉइंटमेंट के लिए आप वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाएं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि 60 साल से ऊपर के ग्रैंड पेरेंट्स या अटेंडेंट को बच्चे के साथ नहीं जाना चाहिए। किसी भी और अटेंडेंट जिसको कि बुखार खांसी या जुकाम है, उसको बच्चे के साथ नहीं जाना चाहिए। जब भी हम जा रहे हैं क्लिनिक पर दिखाने के लिए, तो हम प्राइवेट गाड़ी से ही जाएं, अपने टू व्हीलर या कार से हम जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक व्हीकल्स जैसे कि ऑटो या प्राइवेट टैक्सी से हमें नहीं जाना चाहिए। जब हम जा रहे हैं दिखाने के लिए तो सिर्फ आवश्यक सामान ही हम साथ में लेके जाएं, जैसे कि पानी की बोतल, टिश्यू, नैपकिन, हैंड सैनिटाइजर एवं बच्चे का स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड। इसके अलावा हम केवल मास्क लगा के ही जाएंगे। मास्क इस तरह का हो जो कि हमारे नाक एवं मुंह को अच्छे से कवर कर ले। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप सामान्य कपड़े को, सामान्य रुमाल को दो लेयर्स में बांध के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं तो अपने अपॉइंटमेंट पर लिए गए समय के अनुसार ही तय समय पर पहुंचे। यहां आपको सलाह दी जाती है कि आप जब वेट कर रहे होते हैं तब आपको अपने व्हीकल में ही वेट करना चाहिए। क्लिनिक के वेटिंग एरिया में कोरोना महामारी के दौर में वेट करने की सलाह नहीं दी जाती। आप अपने बच्चे को यहां वहां घूमने नहीं दें, इधर उधर की चीजों को छेड़ने नहीं दें। जब आपका टर्न दिखाने के लिए आता है, आप डॉक्टर को दिखाएं। आप डॉक्टर पे इस बात का दबाव ना डालें कि वो स्ट्रेस से आपके बच्चे को देखे एवं फिजिकल एग्जामिनेशन करें। जरूरी होने पर डॉक्टर खुद स्टेप का इस्तेमाल करता है एवं फिजिकल एग्जामिनेशन बच्चे का करता है। जब आपको डॉक्टर से सलाह मिल जाती है, आप दवाइयां खरीद लेते हैं, उसके बाद सीधे आपको अपने घर जाना चाहिए, ना कि बीच रास्ते में कहीं रुक के शॉपिंग करने के लिए रुकना चाहिए। किसी भी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ना रुके। घर जाने के बाद अपना हैंड वॉश अच्छे से करें, आप बाथ लें, नहा लीजिए, अपने कपड़ों को धो लीजिए। इस तरह की बातों का ध्यान रखने से हम कोरोना महामारी को फैलने से रोक सकते हैं एवं अपने आप को भी हम कोरोना महामारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद।